ये मैटे कब सुधरेंगे। एक जख्मी छोटा बच्चा 5 साल का, उसे भी एम्बुलेंस से निकाल कर उसके माँ के साथ जिंदा जला कर मार दिया मैटे के लोगों ने। मारने वाले में मैटे औरत लोग भी शामिल थे। कितने घटिया लोग हैं। अब ये लोग नॉन लोकल, नॉन मणिपुरी, बिहारी, नेपाली, बंगाली, मारवाड़ी, पंजाबी को धमका रहे हैं, ये कहकर कि तुम लोग भी कुकी कम्युनिटी का समर्थन कर रहे हो। इनको सिर्फ बहाना चाहिए सबको मारने का, लूटने का, भगाने का। हमारा भारत की सरकार से अनुरोध है कि इनको कहे सुधर जाए, वरना बहुत बुरा होगा। खुद को अब मैटेई लोग हिंदू बोल रहे हैं तो हिंदू का मर्यादा का पालन भी करें ना। सिर्फ मतलब के लिए हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। मणिपुर में हिंदी सिनेमा बैंड है। इनको तो इंडियन फ्लैग भी पसंद नहीं। ये इंडियन से अलग होना चाहते हैं, यही इनका टेरर ग्रुप्स का डिमांड है, जिन्हें 90% मैटे ही सपोर्ट करते हैं। बाहर से आए हुए लोगों को मैटे ही लोग नफरत से मायांग नाम से बुलाते हैं। अतीत में हिंदीवासी, बिहारी, बंगाली, मारवाड़ी, पंजाबी, नेपाली के बहुत सारे लोगों को तड़पा तड़पा कर, गोलियों से जला कर, दफना कर, इम्फाल में, सुगनू में, शेरों में मारा है इन्होंने। UNLF, PALA जैसे आतंकवादी ग्रुप्स की मदद से इनके यमलेस और औरत लोगों का ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट होने के कारण कोई बड़ी न्यूज़ नहीं बनी। इनका टेरर ग्रुप्स का मेन कैंप मणिपुर सजिक तांपांग एरिया में है। पहाड़ के अंदर टनल्स, बैंकर्स, ऑपरेटिंग ऑफिस और रहने का घर बना रखा है। सरकार से अपील है कि एक्शन लें और सारे टेररिस्ट को खत्म करें। इनके सपोर्टर्स को वार्निंग दे रहे हैं हम, आतंक का सपोर्ट मत करो वरना कहीं रहने लायक नहीं रहोगे। मैं सुभाष कुमार, UPJF, यूनाइटेड पीपल जॉइंट फोर्स का महासचिव हूँ। इस वीडियो को सुनने और देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक करें और शेयर करें। सो ज्यादा